नमस्ते, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज के विजुअल की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, उसको लेकर के पूरे देश में हाई अलर्ट है। रांची में भी देख सकते हैं आप, प्रशासन पैनी नजर सड़कों पे कि कहीं से कोई प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, हर तरफ माहौल शांत रहे, उसको लेकर के प्रशासन अपनी पैनी नजर सड़कों पे चौक चौराहों पे रखी हुई है। हर चौक चौराहों का विजुअल अभी आप यहाँ पे रांची से ये देख रहे हैं विजुअल। और आइए हम बढ़ते हैं अगले विजुअल की तरफ। पूरे शहर में अभी चेकिंग अभियान बहुत जोर शोरों से चलाया जा रहा है, खास करके 5 गाड़ियां जो हाई स्पीड गाड़ियां हैं उन पे प्रशासन की पैनी नजर। आए दिन आप सुन रहे हैं न्यूज में, जैसा कि आप सभी को पता है कि रांची में छिनतई का रेशियो कितना बढ़ गया है, किन गाड़ियों से ज्यादा हो रही छिनतई, उसको प्रशासन ने कहीं ना कहीं अब भांप लिया है। और ऐसी गाड़ियों पे खास नजर है प्रशासन की, जो भी हाई स्पीड गाड़ियां हैं, जैसा कि अभी आप विजुअल में देख पा रहे हैं यमहा की गाड़ी है, वैसे ही बजाज की गाड़ी है, टीवीएस की भी गाड़ियां हैं, कुछ हीरो की भी गाड़ियां हैं, कुछ उसके बाद होंडा के भी कुछ गाड़ियां हैं। 5 गाड़ियां हैं जो अभी प्रशासन के नज़र में है और उनको रोका जा रहा है, जिस पे भी शक हो रहा है, खास करके हाई स्पीड गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जिस गाड़ी पे भी शक हो रहा है, उस गाड़ी को जो भी नजदीकी थाना है उसमें प्रशासन के द्वारा जब्त किया जा रहा है। डेली का डेली ये हो रहा है, हर थानों में हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। आए दिन ये चेकिंग अभियान बहुत हर चौक चौराहों पे तेजी से चल रहा है पूरे शहर में। हम आपको साथ में बताते चलें, वोटिंग कैंपिंग चालू किया है, हमारा जो कम्युनिटी बॉक्स है आप अपना सुझाव उस बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। हम डेली 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, उसको आप जवाब हमें दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये चेकिंग अभियान देख रहे हैं, ये 15 थाना के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जो भी हाई स्पीड गाड़ियां हैं उनकी रोकी जा रही हैं और सर्च किया जा रहा है। 180 है पल्सर का ये, और एक एक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये पंडरा थाना के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो आप कम्युनिटी बॉक्स हमारे जरूर देखें एक बार और अपना कीमती वक्त थोड़ा सा जरूर दें इन क्वेश्चन आंसर के लिए। हम आइए एक और विजुअल है, इस विजुअल की तरफ चलते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं कि क्या इशू है इनका। हम आपको बताते चलें, साथ में चेकिंग अभियान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि आए दिन एक गलती हर किसी को समझ में आ रहा है, क्या कारण मिस्टेक कहाँ हो रहा है ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि यदि किसी के पास गाड़ी नहीं भी है तो भी फाइन उनके घर तक आ रहा है, माजरा क्या है ये आप देखिए। इनके पास एक नोटिस आया है, कंप्लेन कोई फाइन कटा हुआ है और ये आपको हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग पार करने का है, स्कूटी है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ये स्कूटी है, जेब्रा क्रॉसिंग पार किया हुआ है, उसका ये नोटिस आया हुआ है 100 रुपये का फाइन, और ये इनके एड्रेस पे आया है जबकि इनके पास गाड़ी नहीं है। फिर भी हम आइए जानते हैं इन्हीं से डिटेल्स की माजरा क्या है। क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? बस हम एक मेरे भैया रहते हैं यहाँ सेट कॉलोनी में, रूम नंबर क्वार्टर नंबर 3 में, उन्हीं के साथ हम रहते हैं। तो ये किसके नाम पे गाड़ी है? ये मेरे नाम पे आया है। आपका क्या नाम है? मनोज सिंह। और उसमें क्या है? मनोज कुमार। अच्छा, तो आपके पास गाड़ी है ही नहीं? नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। और ये नोटिस आपके पास आ गया? हाँ। तो आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया कि ये ले लिया आपने? हम नहीं थे, हम घर में नहीं थे, कोई घर में लेडीज लोग थे, घर में आया और बोला कि ये मतलब पार्सल है मनोज का नाम से, तो घर में सोचा कि ये पार्सल कोई और भी सामान हो सकता है और ये दे के चले गए। जब खोल, कितने दिनों से रह रहे हैं? हम यहाँ 1.5 साल से रह रहे हैं। 1.5 साल से रह रहे हैं, हाँ। ये गाड़ी कब का है? ये गाड़ी कब का है अब ये तो नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं, ये जे इसमें गाड़ी नंबर क्या है बोलिएगा एक बार? JH0AZ9921। हाँ, 9921 है। फिर से बोलिए। JH0AZ9921। ये गाड़ी आपके पास नहीं है? नहीं, मतलब गाड़ी आपके पास आप खरीद नहीं दे? नहीं, आज तक गाड़ी नहीं खरीदे, लेकिन नोटिस आप तक आ गया। हाँ, तो ये कहाँ मिस्टेक हो रहा है, हम इस पे आगे भी अधिकारियों से हम बात करेंगे। इसको लेकर के क्या आप कहीं ऊपर तक गए हैं? नहीं, हा? नहीं गए हैं, जब मेरे नाम पे गाड़ी ही नहीं है तो हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? आप एक बार मेरे हिसाब से आप एक बार जाइए वहाँ पे ऑफिस में कंट्रोल में जहाँ पे फाइन कटता है,
वहाँ जाकर के समझिए उन लोगों से कि मेरे पास गाड़ी है ही नहीं तो ये नोटिस मेरे पास क्यों आया। ठीक है, ये स्पीड पोस्ट से आया हुआ है? हाँ, स्पीड पोस्ट डाकघर से आया है। मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे जी जी और क्लियर कर लेंगे जी। तो यदि ऐसी कोई आपके साथ भी घटना हो तो आप भी कंट्रोल रूम, ये कचहरी चौक में, रेडियम चौक में है, आप वहाँ जाएं और इसको क्लियर करें कि आपका, आपके नाम पे ये फाइन कटा है, आपके पास गाड़ी है नहीं है क्या है, वो सर्च करके देख लिया जाएगा उसको। फिर भी हम अधिकारियों से ऊपर में इस पर बात करेंगे। कुछ वांटेड गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं जिसका नतीजा हो रहा है कि गलत एड्रेस भी दे करके बहुत लोग गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं और नंबर भी गलत सलत लग जा रहा है, जिसका नतीजा हो रहा है कि ये फाइन जो है उल्टे गलत पते पे पहुंच रहा है। ये भी कारण हम कुछ दिन पहले समझे थे अधिकारियों से, तो ये भी माजरा है। तो आप गाड़ी खरीदें या सेकेंड हैंड खरीदें तो ज़रूर आप एक बार कंट्रोल से पता कर लें, आप रेडियम चौक में है गाड़ी, ये सही है नहीं है। तो आप अभी आप देख सकते हैं ये चेकिंग अभियान अभी लगाया गया है, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। तो अपने सारी बातों को अभी तक सुना, चेकिंग अभियान तो आप लगातार इस विजुअल में देखते जा रहे हैं। इस पे हमने जो अभी ये फाइन कटा है, हमने इस पे अधिकारियों से बात किया है तो पता चला है कि जो भी गाड़ी खरीदने जो जा रहे हैं वो जो भी अपना एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, वो कोई गलत पते पे भी लोग वोटर कार्ड या आधार कार्ड बना लिए हैं, जिसके चलते ये जो फाइन अभी कट रहा है कैमरों के द्वारा, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत लोगों ने कहा कि हमारा फाइन घर तक पहुंच नहीं रहा है, वो फाइन पहुंच रहा है लेकिन कुछ फाइने गलत पते पे पहुंच रही हैं, जिसका रीजन है कि गलत एड्रेस जो यदि गाड़ी खरीदने समय कोई दे रहे हैं तो गलत एड्रेस पे जो फाइन कट रहा है, जो गाड़ी का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आरटीओ में, वहां से ये एड्रेस वेरीफाई होकर के उस पते पे पहुंच रहा है लेकिन पता गलत है, तो वो प्रशासन की तरफ से गलती नहीं है। यदि कोई गाड़ी खरीद रहा है तो पता गलत देने का रीजन है कि गलत पते पे पहुंच रहा है। तो यदि आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो सही एड्रेस दें, और यदि गलत एड्रेस में आप पकड़े जाते हैं तो इस पे कड़ा प्रावधान है, जिसका भुक्तभोगी आप होंगे, क्योंकि प्रशासन अब हाई अलर्ट पे है। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा डेली नजर रखा जा रहा है कि जहां भी कोई संदिग्ध गाड़ी या संदिग्ध नंबर डिटेक्ट किया जा रहा है उसको प्रशासन के द्वारा तुरंत पकड़ा जाता है और उसको चलान किया जाता है। बहुत जगह देखा जा रहा है कि प्रशासन से लोग उलझ जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। काफी ये घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं, काफी लोग जेल जा चुके हैं। तो प्रशासन से हम फिर आपको यही बात कहेंगे, उलझे नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यदि गलत है आप तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, और सही है तो आपको प्रशासन को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं प्रशासन के द्वारा इस गाड़ी को भेजाया गया कोतवाली थाना, यदि पेपर सही होगा, सब्जी सही होगा तो इस गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। तो प्रशासन से आप ना उलझे, आपके लिए सही होगा, अन्यथा आप जेल के भुक्तभोगी होंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि ट्रैफिक रूल अपनाएं, नहीं अपनाएंगे, गलती आपकी है, भुक्तभोगी आप होंगे, ना ही कि दोषी प्रशासन है और ना ही कानून। कानून अपना काम करेगा, गलत आप हैं तो गलत में आप जाएंगे। उलझने से कोई फायदा नहीं है, उलझेंगे आप पे कार्रवाई होगी। हर जगह देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई भी, जैसे हम कोई भी मान लेते हैं, कोई भी नागरिक को जिसका पहुंच होता है वो प्रशासन से उलझ जाते हैं। तो अब उलझे नहीं, अब प्रशासन के तरफ से सख्त हिदायत है, यदि कोई उलझता है उसको सीधे आप कंट्रोल को खबर करो और जेल भेजो। यदि आपको किसी बात पे दिक्कत हो तो आप कंट्रोल को खबर करें, कंट्रोल से जाकर समझे कचहरी रोड में, जैसा कि आपको हमने बताया कि वहां से वेरीफाई करें। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो रहा हो तो वही आप, तो जैसा कि अभी आप ये चेकिंग अभियान पिस्कम और चौक से देख रहे हैं, व्यापक रूप में ये मुहिम चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हम फिर से वही कहेंगे, ट्रैफिक रूल अपनाएं, ऐसी गलतियां जो सामने आपको दिख रही हैं ना करें, नहीं तो पछताना होगा। हमारा काम है आपको अवेयर करना। तो ध्यान रखें, कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के जरूर देखें, हर क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दें। अपना ख्याल रखें, देखते रहें एसएमपी झारखंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।